सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह से 8:30 बज चुके हैं और हम लोग उठ चुके हैं सभी लोग, और हमें जो है 10 बजे तक वहाँ पे हमें पहुँचना है कॉन्टेक्स्ट में। मेघाड़ी जो है तैयार हो चुका है, मम्मा भी अभी तैयार हो रही है, मॉडल अंदर है, बोर्ड शार ले रही हैं, तो हम लोग जो है अभी तैयार होते हैं और जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। कुछ सारी चीज़ें वहीं पर ही दिखाएंगे गाइज। अभी जो है हम सभी लोग जो है रेडी हो चुके हैं, और अभी पहले हम यहाँ पर नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सभी पहले सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे होटल। सो गाइज, होटल जो है हम अब पहुंच चुके हैं, गाड़ी मैंने वहां पर अपनी पार्क कर दी है और अभी हम आगे जा रहे हैं। वो लोगों को तो मैंने गेट पे उतार दिया था क्योंकि उन लोगों को अंदर जाना था, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। सो गाइज, अभी जो है हम लोग अंदर जा रहे हैं। यह हमारा होटल, यह है रिसेप्शन यहाँ का। एंड अभी हमें देखना है हमें कहाँ जाना है। सो ये है गाइस हमारा कॉम्पिटिशन जहाँ पे होना है। So guys, आपको कुछ नई टेक्निक्स बताना, आपने उसमें से सुविधा के अनुसार चुन लेने हैं अपने तरीके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अलोंग विद मेकअप। जो लोग हेयर स्टाइलिंग भी करते हैं, दे हैव एन एडेड एडवांटेज, और आज इतना अच्छा मौका मिला है सीख के जाने का। गाइज, वो लोग तो ऊपर हैं क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट चल रहा है, और हमें आगे जाने की बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कोई चीटिंग कर रहा हो, कोई किसी को बता ना दे, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं नीचे आया था घूमने के लिए। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, मतलब काफ़ी बड़ा होटल है ये देखिए, और स्विमिंग पूल भी है हमारे पास यहाँ पे। स्विमिंग पूल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा व्यू है यार यहाँ का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वाटर फाउंटेन टाइप बनाया हुआ है इन्होंने इधर। सो ये भी होटल ही है, बीच में हमारा स्विमिंग पूल है और देन अगेन होटल आ गया यहाँ पे। अंदर से भी काफ़ी लग्जरी होटल है ये गाइस। मेरे को सबसे बड़े स्विमिंग पूल लग रहा है क्योंकि हवा की वजह से ना जो इसमें वेव्स आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है भाई। एंड इधर जो है गार्डन एरिया है यहाँ पे हमारा, यहाँ पर गार्डन एरिया है, वहाँ पर रेस्टोरेंट है, हम कुछ भी बैठ के खा सकते हैं वहाँ पे ओपन में। एक इधर भी ओपन में हम कुछ भी खा सकते हैं बैठ के। गाइज, यहाँ पे प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और इन्हें कुछ भी नहीं मिला, मतलब जितने भी हमारे साथ थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत कुछ मिला, मतलब यार जजमेंट इतनी बढ़िया थी कि मतलब बस क्या ही बताएं। फर्स्ट मैं दिखा नहीं सकता उनकी, मतलब ऐसी लग रही है कि जजेस को ढूंढ के मारना पड़ेगा। सीरियसली मारना तो नहीं, बट हाँ कुछ कहते हैं ना कभी कभी हम सच में मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि जो उसका काम है, यू लुक एट मी, मैं टोटली हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ, और मुझे खुद बेसिकली बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गई हूँ, मैं खुद हार गई हूँ। जैसे होता है ना, हम इवेंट में जाते हैं एज अ मॉडल, तो आज खुद दिल से बहुत बुरा लग रहा है। मैंने अपने आंसू बहुत मुश्किल से कंट्रोल करे, सीरियसली मैं आज सेटिस्फाई नहीं हूँ रिजल्ट से। लेकिन जजेस वाली बात सीरियस मत लेना गाइस, मुझे बट सीरियसली यार जजमेंट ज़्यादा सही नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब जो फर्स्ट आए हैं वो बिल्कुल भी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते थे, बाकी इन सब की मर्जी थी। भाई सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो मेरे लिए है, एक्चुअली मैं हूँ कार लवर, सो हमने हमें देखने को मिली है यहाँ पे रोल्स रॉयस और रेंज रोवर की इवोक। इवोक में क्या सबसे टॉप मॉडल है। सो गाइस
सबसे ज़्यादा फेवरेट कार है मेरी। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं और अब जाके हम पहुँचे हैं, ये अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है और हम चलते हैं अभी पीछे की तरफ से। सो यार दिल्ली से क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं मिला, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे तो थक भी ज़्यादा गए थे हम, इसलिए हम डायरेक्ट घर पर ही आ गए। अभी हमने कुछ भी खाया हुआ नहीं है अभी तक और रेस्टोरेंट भी सारे बंद हो गए थे उस टाइम पे। सो अभी पहले हम पीछे चलते हैं। फाइनली गाइस अभी जो है हम घर पहुँच चुके हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं सारे। और तब तक के लिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।